हमने पिछले क्लासेस में स्टडी किए हैं कि किस तरह से हम किसी भी डाटा को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली डाटा को रिप्रेजेंट करने के हमने 3 मेथड्स देखे थे, बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, और सभी को हमने स्टडी किया कि किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम उससे रिलेटेड NCERT बुक की एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चंस देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉसेस ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन्स बिटवीन द एजेस 15 to 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग डाटा एंड फिगर्स इन परसेंटेज। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन एवर ग्राफिकली। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स ill health condition and death condition? Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the causes in above being the major causes. यहाँ पर हमें ये conditions given हैं, यहाँ पर हमें causes given है कि किस reason से वुमेन्स को इलनेस होती है या उनका डेथ होता है, और परसेंटेज में ये हमें गिवन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के बेसिस पर 31.8% वुमेन की डेथ होती है या उनको इलनेस होती है। इसी तरह से न्यूरोफिजियाट्रिक कंडीशन के कारण 25.4% है, इंजरीज के कारण 12.4% है, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस के कारण 4.3 है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस के कारण 4.1 है एंड अदर कॉसेस हैं यहाँ पर 22%। तो ये हमें गिवन है, इसका हमें बार ग्राफ बनाना है। तो ये बहुत ही सिंपल है बार ग्राफ बनाना। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पर हम कंडीशंस लेते हैं, ये जो कॉसेस हमें मिल रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम यहाँ पर लेंगे परसेंटेज, या हम कहें फीमेल फर्टिलिटी रेट। तो ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने पैमाना ले लिया। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमें लेने हैं इसके कॉसेस, ओके, और वाई एक्सिस पर हमने लिया है फीमेल फर्टिलिटी रेट इन परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए फर्टिलिटी रेट कितनी है, 31। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, और ये 30 है, मान लीजिए यहाँ पर हमें मिल रहा है दिस इज 31। तो जब हम इसे बनाएंगे तो हम इसे यहाँ तक लेके जाएंगे, दिस ये हमें मिल गया यहाँ तक, और इसे बनाते हैं। तो ये फर्स्ट हमें मिल गया यहाँ से रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है न्यूरोफिजियाट्रिक कंडीशन, और इसमें कितना है 25.4। ये 25 है, मान लीजिए ये हमें मिल रहा है 25.4 दिस, तो हम इसे बनाते हैं यहाँ से, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा दिस। दिस इज न्यूरोफिजियाट्रिक कंडीशंस। यहाँ पर आप उसका रीज़न लिख लीजिएगा, ओके। देन नेक्स्ट है इंजरीज। इंजरीज में कितने हैं 12.4, यहाँ पर ये 10 है, मान लीजिए ये 12 है, और यहाँ पर समथिंग हमें मिल रहा है 12.4, तो दिस इज 12.4, और इसे आगे बढ़ा के हम यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं दिस। दिस इज इंजरीज। इसके बाद नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, एंड कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन में कितना है 4.3, तो ये 5 है, 5 से स्मॉल यहाँ पर हमें मिल रहा है 4, ठीक है, एंड दिस इज मान लीजिए 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे हम इंडिकेट करेंगे। तो 4.3 हमें बनाना है, तो ये सपोज मान लीजिए दिस इज 4.3, तो ये हम इस तरह से इसे बनाएंगे। ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो हम उसमें आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं 4.2 कहाँ पर है, 4.1 कहाँ पर है, ओके। इसके बाद है अदर रेस्पिरेटरी कंडीशन, एंड रेस्पिरेटरी कंडीशन कितना है 4.1, तो ये 4.2 से थोड़ा सा स्मॉलर हमें यहाँ पर 4.1 मिल जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज
अदर गैसेस, और अदर गैसेस कितने हैं 22, तो ये 20 है, मान लीजिए दिस इज 22, तो हम यहाँ पर इसे आगे बढ़ाएंगे और ये हमें समथिंग यहाँ पर मिल रहा है, तो दिस इज अदर गैसेस, ठीक है, दिस इज रेस्पिरेटरी एंड दिस इज कार्डियोवास्कुलर, ओके। तो इस तरह से हम बार ग्राफ यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं इस कंडीशन के लिए, ओके। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच कंडीशन इज मेजर कास ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ कंडीशन, कौन सा कास सबसे मेजर कास है उनकी हेल्थ कंडीशन के लिए, तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका मिल रहा है, दिस। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज मेजर कास ऑफ वुमेन्स हेल्थ कंडीशन, ओके। नाउ नेक्स्ट हमें पूछा गया है ट्राई टू फाइंड आउट विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन इल हेल्थ कंडीशन, टू फैक्टर्स हमें बताना है, तो कौन कौन से सबसे मेजर फैक्टर्स हैं, तो सबसे मेजर ग्राफ कौन कौन से हैं, दिस टू, तो ये टू वुमेन की हेल्थ कंडीशन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसे बनाएंगे, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय द बार ग्राफ, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। यहाँ पर हमें गिवन है वेरियस सेक्शन के लिए 1000 बॉयज के रेस्पेरेशियो में कितनी गर्ल्स हैं, तो हमें यहाँ पर गिवन है शेड्यूल कास्ट मतलब SC, SC कैटेगरी में 1000 बॉयज के लिए 940 गर्ल्स हैं, शेड्यूल ट्राइब ST, ST में 970, नॉन ST SC 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल 930, अर्बन 910। हमें इसका बार ग्राफ बनाना है, तो ये बहुत ही आसान है, हम x एक्सिस पर कंसीडर कर लेते हैं सेक्शंस, y एक्सिस पर कंसीडर कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉय। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया है 100-100 का मीटर स्केल, 100-100 का स्केल हमने लिया है, ये 900 है, ये 1000, इसके बीच में ये हमें 10 मिल रहे हैं, 910, फिर 920, 930, 940, इस तरह से ये हमें मिल रहे हैं, दिस इज 910, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 1000। ये मैंने अभी इस तरह से इसे समझने के लिए बनाया है, आप बार ग्राफ में, आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो उससे ये क्लियरली बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट है शेड्यूल कास्ट दैट इज SC के लिए कितना है 940 हमें कहाँ मिल रहा है, दिस इज 940, तो हम 940 तक इसे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, दिस इज SC। इसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब 970, तो 970 हमें मिल रहा है ये वाला, तो यहाँ से हम इसे भी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज ST। इसके बाद है नॉन ST SC, दिस इज 920 हमें मिल रहा है ये वाला, तो ये यहाँ से इसे बनाते हैं। इसके बाद है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में है 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है 920, इन दोनों को बनाते हैं, दिस इज 950 एंड दिस इज 920, इनको ड्रॉ करते हैं, तो ये बैकवर्ड एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हमने बना लिया। इसके बाद है रूरल एंड अर्बन, रूरल है 930, अर्बन है 910, 930 हमें मिल रहा है यहाँ पर लाइक दिस, और 930 को बनाते हैं सबसे पहले, तो ये हमें मिल गया है रूरल एंड दिस इज अर्बन, ओके। तो इस तरह से हमने ग्राफ बनाया है, तो ये ग्राफ किस तरह से बनाना है ये आप समझ लीजिएगा, हमें यहाँ पर जो मीटर स्केल गिवन है उसी को आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसे बनाना आसान है। अब हमें पूछा गया है कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है इस ग्राफ को देख के, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, दिस 970,
और 970 किसकी है, शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब सबसे ग्रेटर गर्ल्स किस में है, शेड्यूल ट्राइब में, ये हमें यहाँ से समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाई डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ड्रॉ द बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पॉलिटिक, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट, सेकेंड इज विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पर हमें गिवन है कि पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एफ इन्होंने कितने सीट्स वन किए हैं, ए ने 75 सीट वन किए हैं, बी ने 55 सीट विन किए हैं, तो इन्हें हमें बार ग्राफ के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स एक्सिस पर हम ले लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं सीट वन। यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, ए, ए ने कितने सीट्स विन किए हैं, 75, तो ये 70 मान लीजिए यहाँ पर हमें मिलेगा 75, तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं दिस इज पॉलिटिकल पार्टी ए। इसके बाद है सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी बी, बी ने 55 सीट विन किए हैं, तो ये हो गया 55, तो यहाँ से बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सी, सी 37 सीट विन किए हैं, तो ये 30 समथिंग हियर इज 37, ओके, तो यहाँ से हम इसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है डी, डी ने 29 सीट विन किए हैं, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 29, ठीक है, तो यहाँ से हम इसे ड्रॉ करते हैं, सपोज हमें ये इस तरह से मिल गया। इसके बाद है ई, ई ने विन किए हैं 10 सीट्स, तो ये सब ये है 10, यहाँ से हम यहाँ से इसे बनाएंगे दिस। इसके बाद है एफ, और एफ ने विन किए हैं 37 सीट्स, तो ये हमें मिल गया एफ, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ए बी सी डी ई एंड एफ, इनके सीट विन के हम इस तरह से बार ग्राफ बना सकते हैं। अब हमें पूछा गया है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट विन किए हैं, तो यहाँ से देखिए सबसे ग्रेटर ग्राफ, सबसे हाइट ज़्यादा किसकी मिल रही है, पॉलिटिकल पार्टी ए की, तो ए पॉलिटिकल पार्टी ए ने सबसे ज़्यादा सीट विन किए हैं, दैट इज 75 सीट्स, ठीक है, इस तरह से इसे करेंगे। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑप्टिमेट डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, एंड थर्ड इज Is it correct to count conclude that the maximum number of leaves are 153 millimeter long and why? यहाँ पर हमें ये 3 questions पूछे गए हैं और हमें यहाँ पर एक data given है जिसमें leaves की length हमें given है millimeters में और number of leaves given है कि उस length में कितने number of leaves आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका histogram बनाएंगे, तो इसे देखिए, ये हमें गिवन है लेंथ ऑफ लीव्स एंड नंबर ऑफ लीव्स, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेंथ हमें सबसे पहले गिवन है 118 टू 126 और ये हमें गिवन है मिलीमीटर में। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है 127 से 135, इसके बाद अगेन 136 से 144, देन 145 टू 153, 154 से 162, देन 163 से 171, देन 172 से 180, ये हमें लेंथ गिवन है इन मिलीमीटर। नंबर ऑफ लीव्स हमें गिवन है 118 से 126
मिलीमीटर लेंथ के बीच नंबर ऑफ लीव्स हैं 3 और इसके बीच है नंबर ऑफ लीव्स 5 देन 9 12 5 4 2 तो ये हमें इस तरह से एक टेबल गिवन है, इसके लिए हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो ध्यान दीजिए, जो हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है उसमें हमने पढ़ा है कि जब भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम के लिए हमें कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होता है। और यहाँ देखिए, ये कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर 126 है और यहाँ पर है 127, इन पर गैप है। तो जब इस तरह का गैप होता है तो हम हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इसे कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। हम देखेंगे कि इनका गैप कितना है, तो इनमें 1 का गैप है, और जो भी गैप होता है उसका हाफ हम करेंगे तो हाफ कितना मिल जाएगा, 0.5। अब मैंने आपको बताया था कि जब हाफ करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है उसे अपर लिमिट में ऐड करते हैं, लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 0.5 को 118 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 126 में ऐड करेंगे, तो ये हमें कंटिन्यूस फॉर्म पे मिल जाएगा। तो जब 118 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 117.5, और 126 में ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 126.5, ठीक है। इसी तरह से 127 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मिल जाएगा 126.5। अब देखिए, ये दोनों इक्वल मिल गए, मतलब ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब पूरे सभी में के लिए हम करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 135.5, देन 135.5 टू 144.5, देन 144.5 टू 153.5, 153.5 टू 162.5, 162.5 टू 171.5, एंड 171.5 टू 180.5। ये हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया कंटिन्यूस टाइप। अब हम यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं। तो हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ एक्स एक्सिस पर इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेंगे और वाई एक्सिस पर हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ लीव्स। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें नंबर ऑफ लीव्स गिवन है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। तो हम यहाँ पर 2-2 के गैप्स में से ले लेते हैं। सपोज दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लीव्स। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट है 117 से लेकर 126, और 117 से 126 पर नंबर ऑफ लीव्स कितना है, 3। तो ये 2 और 4 के बीच में हमें यहाँ पर मिल जाएगा 3। तो इसे हमें यहाँ तक इस तरह से पढ़ाना है, तो ये हमें इस तरह से मिल गया। ओके, नाउ 126 से 135.5, तो इसके बीच नंबर ऑफ लीव्स है 5। तो ये 4 और 6 पर यहाँ पर हमें मिल गया 5। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ तक बढ़ाते हैं तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 135 से लेकर 135.5 से 144.5, और इसमें नंबर ऑफ लीव्स है 9। तो 8, 10, ये हमें मिल गया 9, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसे बढ़ाते हैं दिस। नाउ नेक्स्ट इज 144.5 टू 153.5, और नंबर ऑफ लीव्स है 12। तो ये हमें मिल रहा है, दिस इज 12। तो यहाँ तक हम इसे बनाते हैं। नेक्स्ट इज 153.5 टू 162.5, इसमें हमें मिल रहा है 5। तो ये 5 है, तो हम यहाँ तक इसे बनाएंगे दिस। नेक्स्ट इज 162.5 टू 171.5, इसके लिए है 4। तो ये हमें मिल रहा है 4, तो यहाँ से हम इसे इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है 171.5 से 180.5, और इसमें नंबर ऑफ लीव्स हैं 2। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। ओके,
तो ये हमारा जो ग्राफ बन रहा है दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, और ये हमने कंटिन्यूस के लिए बनाया है। तो देखिए इसमें हमें ग्राफ में कोई भी स्पेस नहीं मिलता, एक्स्ट्रा स्पेस, तो ये एक सॉलिड फिगर के फॉर्म पर हमें मिलता है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है विच इज़ देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। क्या हम इस सेम डाटा को किसी और मेथड के थ्रू, किसी और सूटेबल ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम इसे फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस हिस्टोग्राम की मीड पॉइंट्स को ले लें और यहाँ से हम इस तरह से फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर दें तो भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 मिलीमीटर लॉन्ग हैं? तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स हमें मिल रहे हैं 144.5 से 153.5, 12 लीव्स हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो लीव्स हैं उनकी लेंथ 153 ही हो, यहाँ पर ये 144 से लेकर 153 के बीच में कोई भी लेंथ हो सकती है। तो इसका आंसर होगा नो। ओके, इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। यहाँ पर हमें आवर्स के फॉर्म पर लाइफ टाइम गिवन है नियॉन लैम्प्स के, तो 300 से 400 आवर्स हैं 14 नियॉन लैम्प्स के लाइफ टाइम, 400 से 500 के बीच 56 नियॉन लैम्प्स की लाइफ टाइम है, 500 से 600 के बीच 60 नियॉन लैम्प्स की हैं। तो इस तरह से हमें नियॉन लैम्प्स की लाइफ टाइम गिवन है आवर्स में, हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आंसर है यस, ये कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। पिछले में कंटिन्यूस नहीं था, पिछले क्वेश्चन में, तो हमने उसे कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में लिया है लाइफ टाइम, वाई एक्सिस में लिया है नंबर ऑफ लैम्प्स। अब वाई एक्सिस पर हमने वन यूनिट लिया है 10 लैम्प्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए 300 से 400 के बीच कितने लैम्प्स हैं, 14, तो ये 10 है, ये 20 है, इनके बीच में हमें मिल जाएगा यहाँ पर 14। तो 300 से 400 के बीच यहाँ पर 14 नियॉन लैम्प्स की लाइफ टाइम है, तो ये इस तरह से हमें मिल गया। नेक्स्ट है 400 से 500 के बीच 56 नियॉन लैम्प्स की लाइफ टाइम है, तो ये 50 है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 56, तो यहाँ से इसे ज्वाइन करते हैं तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। ओके, तो ये हमें मिल गया 400 से 500, इसके बाद है 500 से 600, इसके बीच है 60 नियॉन लैम्प्स, तो ये 60 है, तो यहाँ पर ये हमें इस तरह से मिल जाएगा दिस। ओके, नेक्स्ट है 600 से 700 के बीच है 86 नियॉन लैम्प्स, तो दिस इज़ 80 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 86, तो यहाँ से हमें इसे इस तरह से ज्वाइन करना है। ओके, तो ये हमें मिल गया। इसके बाद 700 से 800 के बीच है 74, तो ये 70 है, सपोज दिस इज 74, तो यहाँ से हम इसे ड्रॉ करेंगे, ये हमें मिल गया 70। इसके बाद नेक्स्ट है 800 से 900 एंड 800 टू 900 इज 62, दिस इज 60, तो यहाँ पर समथिंग हमें मिल रहा है 62, तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 900 टू 1000 के बीच 50, ये सपोज मान लीजिए दिस इज 48, तो ये हमें मिल जाएगा 900 से 1000 के बीच, तो इस तरह से इसका हिस्टोग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है हैव अ लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स, कितने नियॉन लैम्प्स की लाइफ टाइम 700 आवर्स से ग्रेटर है, तो ये 600 से 700 के बीच है यहाँ तक, तो ये जो 3 नियॉन लैम्प्स हैं इनकी जो लाइफ टाइम है वो 700 आवर्स से ग्रेटर है, तो हमें नंबर ऑफ लैम्प्स पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं 74 प्लस 62 प्लस 48, इन तीनों जो नियॉन लैम्प्स हैं
इसकी लाइफ टाइम 700 आवर्स से ग्रेटर है. ऐड करते हैं 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5, 6 11, 11 प्लस 7 इज 180. तो ये हो गया 184. 184 नियॉन लैंप्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम हमें 700 आवर्स से ग्रेटर मिलती है. ठीक है, तो इसे इस तरह से कर सकते हैं. इसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम. रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन्स. From the two polygon, compare the performance of the two sections. यहाँ पर two sections के students के marks हमें given हैं. Section A में 0 से 10 तक 3 student को marks मिले हैं, 10 to 20 marks तक 9 students को मिले हैं, 20 से 30 marks तक 17 students को मिले हैं. इसी तरह से section B के लिए हमें given है 0 से 10 marks तक 5 students को मिले हैं, 10 से 20 मार्क्स तक 19 स्टूडेंट्स को मिले हैं. हमें इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करना है. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है क्लास मार्क, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है. तो यहाँ पर इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान है. हम क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, और क्लास मार्क किस तरह से फाइंड करते हैं ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके हम क्लास मार्क की वैल्यू फाइंड करते हैं. तो अपर लिमिट है 10, लोअर लिमिट है 0. तो 10 प्लस 0 बाई 2 करेंगे. ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा 5. फिर 20 प्लस 10 बाई 2 करेंगे, मिल जाएगा 15. 30 प्लस 20 बाई 2, दैट इज़ 50 बाई 2, सो ये मिल गया 25. 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा 35. 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 45. तो इस तरह से हमें क्लास मार्क की वैल्यू मिल गई. अब हमें क्लास मार्क मिल गया तो हम आसानी से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं. इसके लिए हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हैं क्लास मार्क की वैल्यू और वाई एक्सिस पर हम कंसीडर करते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. ठीक है, तो बनाते हैं. सो ये हमें मिल रहा है 5, देन दिस इज 15, 25, 35, 45, 55. ये हमें मिल रहा है क्लास मार्क की वैल्यू. और वाई एक्सिस पर हम कंसीडर करते हैं फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी मेरे के लिए हम कौन सा स्केल कंसीडर करें? तो देखिए फ्रीक्वेंसी 3, 9, 17, 12, 9 इस तरह से ये मिल रहा है. तो हम 3 का स्केल कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज 3, देन 6, देन 9, देन 12, 15, 18, 21, 24. ओके, अब हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले इसके लिए हम मार्क करते हैं. फर्स्ट देखिए 5 क्लास मार्क के लिए सेक्शन ए को हम पहले बनाते हैं. सेक्शन ए को देखिएगा, 5 क्लास मार्क के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 3. तो पॉइंट क्या मिल जाएगा? दिस पॉइंट. इसके बाद 15 क्लास मार्क के लिए इसकी वैल्यू है 9. तो 9 हमें यहाँ पर मिल रहा है और 15 यहाँ पे, तो इसका एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर. फिर है 25 क्लास मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है? 17. तो ये 15, देन 16, देन 17. तो ये हमें मिल रहा है, दिस इज 17 और दिस इज 25. तो इसका पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया. फिर 35 के लिए हमें मिल रहा है ये 12. तो 35 के लिए दिस हमें ये क्या मिल रहा है? 12. तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें मिल गया. देन 45 क्लास मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी है 9. तो 9 हमें यहाँ पर मिल रहा है और 45, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे. ठीक है, ये सेक्शन ए के लिए है. इसे ज्वाइन करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा. तो ये हमें सेक्शन ए के लिए पॉलीगॉन की वैल्यू मिल गई. अब सेक्शन बी के लिए बनाते हैं. तो क्लास मार्क 5 के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी है 5. तो
क्लास मार्क 5 फ्रीक्वेंसी इज 5 3 4 5, तो ये हमें मिल गया। इसके बाद क्लास मार्क 15 पर फ्रीक्वेंसी है 19, तो 18 के बाद ये हमें मिल रहा है 19, तो ये क्लास मार्क 15 वाली लाइन है और यहाँ पर ये हमें मिल गया 19। इसके बाद है क्लास मार्क 25 के लिए फ्रीक्वेंसी है 15, तो क्लास मार्क ये है 25 और इसके लिए ये हमें मिल रहा है 15 दिस। ओके, 35 के लिए है ये 10, तो ये 35 और 9 ये हमें मिल जाएगा 10। ओके, तो ये हमें मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट है 45 पर क्लास मार्क है 45 क्लास मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी है 1, तो ये हमें मिल रहा है 1, तो ये समथिंग हियर ये हमें मिल जाएगा। इन्हें भी ज्वाइन करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सेक्शन बी का है और ये सेक्शन ए का है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो सेक्शन बी का है इसकी जो पीक वैल्यू है वो ग्रेटर है, मतलब सेक्शन बी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं, क्योंकि इसका जो पीक है वो हमें ग्रेटर यहाँ पर सेक्शन बी के लिए मिल रहा है, ना कि सेक्शन ए के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कंक्लूज़न मिलता है। इसके बाद हम सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है द रन्स स्कोर्ड बाई टू टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाई फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। हमें यहाँ पर गिवन है टीम ए एंड टीम बी ने कितने बॉल्स 160 बॉल्स में कितने रन्स बनाए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर गिवन है कि 6 बॉल्स में टीम ए ने 2 रन्स बनाए, टीम बी ने 5 रन बनाए, फिर नेक्स्ट 6 बॉल में टीम ए ने 1 रन बनाए, टीम बी ने 2 रन बनाए, और हमें ये डाटा इस तरह से गिवन है। इसे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के टर्म्स में बनाना है, पर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये तो हमें कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूस टाइप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें इसे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हम यहाँ पर इसका गैप देखेंगे, इसका गैप है 1 का हाफ 0.5, तो जो हाफ वैल्यू है उसे लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, अपर लिमिट में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5, तो ये हमें मिल गया 0.5, 6 में ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 6.5। ठीक है, इसी तरह से 0.5 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिल गया 6.5, 12 में ऐड करेंगे तो ये हमें मिल गया 12.5। अब देखिए ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस मिल गया। इसी तरह से यहाँ से हम सभी में करते जाते हैं तो समथिंग ये हमें इस तरह से मिल जाएगा 18.5, 24 में ऐड करेंगे तो ये हो गया 24.5, देन 24 के बाद 30 है तो ये हो गया 30.5, आफ्टर 30 दिस इज 36 तो ये हो गया 36.5, देन 37 से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल गया 36.5, 42.5, देन 42.5, 48.5, 48.5, 54.5 एंड 54.5, 60.5। ठीक है, तो इसे हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो हमें और फाइंड करना होगा क्लास मार्क। क्लास मार्क हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 0.5 प्लस 6.5 अपॉन 2 हमें करना है, तो 0.5 प्लस 6.5 इज 7/2 एंड 7/2 करेंगे तो ये मिल जाएगा 3.5। अगेन 12.5 प्लस 6.5 तो ये हमें मिल जाएगा 19 और 19 बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ से 9.5। ओके, अगेन 12.5 प्लस 18.5 करेंगे और
हम इसे इसी तरह से आगे सॉल्व करते जाएंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 15.5, इन्हें करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 21.5, देन 27.5, 30.5 प्लस 36.5 बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 33.5, 36.5 प्लस 42.5 बाई 2 करेंगे ये मिल जाएगा 39.5, देन 42.5, 48.5 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 45.5, देन 48.5, 54.5 अपॉन 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 51.5, देन 54.5, 6 प्लस 60.5 अपॉन 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 57.5। तो ये हमें इस तरह से क्लास मार्क की वैल्यू मिल गई। अब ये क्लास मार्क है और ये है इनकी फ्रीक्वेंसी, हमें इन्हीं से काम है। हम टीम ए के लिए क्लास मार्क देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे और उसे ग्राफ में बनाएंगे। टीम बी के लिए क्लास मार्क देखेंगे, फ्रीक्वेंसी देखेंगे और उसे बनाएंगे। तो अब हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हैं क्लास मार्क की वैल्यू और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं रन्स, ठीक है, या हम कहें फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर क्लास मार्क है 3.5, 9.5, 15.5, इसे हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हैं। अब टीम ए के जो रन हैं 2, 1, 8, तो यहाँ पर देखिए 3.5 के लिए क्या है 2, 9.5 के लिए क्या है 1, 15.5 के लिए है 8। तो इस तरह से हम इसे लोकेट करते हैं टीम ए के लिए हम करते हैं। तो यहाँ से देखिए 3.5 के लिए है 2, 9.5 के लिए 1, 15.5 के लिए 8, 21.5 के लिए यह है 9 और इसी तरह से सारे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोकेट कर लेंगे और उसके बाद इसे ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ओके, तो ये हमें टीम ए के लिए मिल गया। इसी तरह से टीम बी के लिए देखिए, तो टीम बी के लिए यहाँ पर है 3.5 क्लास मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 9.5 क्लास मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी है 6, 15.5 क्लास मार्क के लिए फ्रीक्वेंसी है 2। इसे भी इस तरह से लोकेट करते हैं। तो यहाँ पर 3.5 के लिए 5, 9.5 के लिए 6, देन 15.5 के लिए 2 और इसे भी ज्वाइन करते हैं। सारा हमने लोकेट किया है, आप चेक कर सकते हैं इनके क्लास मार्क के बेसिस पर और फिर इसे ज्वाइन करते हैं लाइक दिस। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। तो ये जो येलो कलर का है ये टीम बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ब्लू कलर का है वो टीम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है अ रैंडम सर्वे ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वॉज फाउंड एज फॉलोज, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। यहाँ पर हमें गिवन है 1 से 2 एज के 3 चिल्ड्रंस पार्क में प्ले करते हैं, 2 से 3 ईयर्स के 5 चिल्ड्रंस हैं, 3 से 5 ईयर के 6 चिल्ड्रंस हैं, 5 से 7 ईयर्स के 12 चिल्ड्रंस हैं और ये डाटा हमें गिवन है, हमें इससे हिस्टोग्राम बनाना है। तो आप देखेंगे कि ये हमें कंटिन्यूस टाइप तो मिल रहा है क्योंकि ये 2 है, फिर यहाँ भी 2 है, ये 3 है, यहाँ भी 3 है, दिस इज 5, अगेन 5, 7, 10, 15। पर यहाँ पर देखिए क्या इनके डिफरेंस एक समान है, तो यहाँ 1 से 2 1 का गैप है, 2 से 3 1 का गैप है, 3 से 5 2 का गैप आ गया, फिर 7 से 10 3 का गैप आ गया। तो यहाँ पर जो क्लास की विड्थ है वो एक समान नहीं है। तो जब क्लास की विड्थ एक समान नहीं होती तो उस कंडीशन पर हम उस टाइप के हिस्टोग्राम को क्या कहते हैं, तो हम उसे कहते हैं वेरिंग विड्थ हिस्टोग्राम। तो इस कंडीशन पर जो हिस्टोग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो किस तरह का ड्रॉ करेंगे, वेरिंग विड्थ टाइप ऑफ हिस्टोग्राम। और उसके लिए क्या करते हैं, हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है।
तो सबसे पहले हम इन सभी की विड्थ यहाँ पर लिखते हैं. तो नेक्स्ट कॉलम मैं यहाँ पर बना रही हूँ विड्थ ऑफ क्लास. तो यहाँ से 1 और 2 इसकी विड्थ हो जाएगी 1, 2 और 3 इसकी विड्थ हो गई 1, अगेन 2, 2, 3, 10 से 15 विड्थ क्या है 5. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम इसे फाइंड करते हैं. 17 माइनस 15 करेंगे 2. तो ये हमने क्लास विड्थ फाइंड कर ली. अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट फाइंड करना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल. और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम एक मिनिमम विड्थ फाइंड कर लेते हैं. तो इनमें से हम किसे मिनिमम विड्थ कंसीडर कर रहे हैं, 1 को. अब यहाँ से हम अप्लाई करते हैं कि अगर क्लास विड्थ 2 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 6. अगर क्लास विड्थ को हमने 1 कर दिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो ये हमें मिल जाएगा. यहाँ से देखिए, तो स्टार्टिंग से करते हैं, क्लास विड्थ 1 है तो फ्रीक्वेंसी 3 है, तो हम इसे 1 पर ही करेंगे. तो इसे हमें करना होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू मिनिमम विड्थ. मिनिमम विड्थ हमने कंसीडर किया है 1 को, तो ये हो जाएगा 3. फिर फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू मिनिमम विड्थ, तो ये हो गया 5. अब आइए फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ, ये 2 है, इनटू मिनिमम विड्थ, तो ये हमें क्या मिल गया 3. देन फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू मिनिमम विड्थ, तो ये हमें मिल गया 6. फ्रीक्वेंसी 9 अपॉन विड्थ ऑफ क्लास इंटू मिनिमम विड्थ, तो ये हमें मिल गया 3. दिस इज फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू मिनिमम विड्थ, ये हो गया 10. फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू मिनिमम विड्थ, ये हमें मिल गया 2. तो इस तरह से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड कर लिया. तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि मिनिमम विड्थ हम किसे चूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर लेंथ किस तरह से फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय विड्थ इनटू मिनिमम विड्थ. ठीक है, ये हमें इस तरह से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मिल गया. मींस वाई एक्सिस पर हमें इतने लेंथ का रेक्टेंगल बनाना है और हमें ये वैल्यू तो मालूम है, अब हम इसे आसानी से बना सकते हैं. तो ड्रॉ करते हैं. यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर करते हैं एज ग्रुप, एज इन ईयर्स, और ये हमें गिवन है 17 ईयर्स तक. तो हम यहाँ से एज कंसीडर कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. ठीक है, वाई एक्सिस पर हम कंसीडर करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ये हमें मिल रहा है 3, 5, 3, 6. हम इसे भी 1, 1 के यूनिट पर ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं. तो देखिए 1 से 2 के लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मिल गया, 3. मतलब 1 से 2 के लिए हम कितना बनाएंगे इसे, इस तरह से 3. ओके, नाउ 2 से 3 के लिए कितना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, 5. तो 2 से 3 के लिए हम इसे कितना बनाएंगे, 5 तक, तो ये हमें इस तरह से मिल गया. इसके बाद है 3 से 5, 3 से 5 के लिए कितना है, 3. तो ये 3 और ये 3, 4, 5 तीनों के लिए बनेगा, तो ये हमें इस तरह से मिल गया. ओके, इसके बाद है 5 से 7 और इसके लिए लेंथ कितना है, 6. तो 5 से 7 यहाँ तक का हमें लेना है और इसके लिए हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मिल रहा है 6, दिस. तो ये हमें इस तरह से मिल गया. नाउ 7 to 10, 7 से 10 के लिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 3. तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 7 से लेकर 10 के लिए. इसके बाद है 10 से 15, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2. तो 10 से 15 के लिए हम 2 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लेकर इस तरह से बनाते हैं. उसके बाद है 15 से 17 और इसके लिए भी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 2. तो हम इस तरह से इसे बना लेंगे. ओके, तो ये हमें हिस्टोग्राम मिल गया इस कंडीशन के लिए. तो आपको ध्यान देना है कि अगर हमें वेरिंग
विड्थ मिलती है तो हम इसे किस तरह से बना सकते हैं, तो इसे इस तरह से करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में भी हमें सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन गिवन है 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम्स वेयर फाउंड एज फॉलोस। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाइस। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है और नंबर ऑफ सरनेम, मतलब किस सरनेम में कितने लेटर्स हैं। जैसे किसी सरनेम में 4 लेटर्स हैं, ओके। अब 4 लेटर्स सरनेम में हो, ऐसे सरनेम कितने हैं, ये हमें यहाँ पर गिवन है। तो इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड नेक्स्ट हमें गिवन है नंबर ऑफ सरनेम्स, ओके। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो विड्थ है वो हमें गिवन है 1 से 4, देन 4 से 6, आफ्टर दिस 6 to 8, 8 to 12, देन 12 to 20। अब यहाँ पर भी हम इसे देखकर ये बोल सकते हैं कि इसका जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर 4, 3 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, तो यहाँ का इसकी विड्थ भी एक समान नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 1 से 4 लेटर्स हो ऐसे 6 सरनेम्स हैं, 4 से 6 लेटर्स हो ऐसे 30 सरनेम्स हैं, 6 से 8 लेटर्स हो ऐसे 44 सरनेम्स हैं, देन 8 से 12 हो ऐसे 16, 12 to 24 सरनेम्स हैं, ये हमें मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि इसका विड्थ एक समान नहीं है, तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ फाइंड कर लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। अपर लिमिट है 4, लोअर लिमिट है 1, तो विड्थ क्या मिल जाएगी, 3। 6 माइनस 4, 2, 8 माइनस 6, 2, 12 माइनस 8, 4, 20 माइनस 12, 8। तो ये हमें क्लास विड्थ यहाँ से मिल गई। अब हमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी, या हम इसे कहते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिक्स करनी होती है। तो कौन सी वैल्यू को हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी फिक्स करें, तो यहाँ पर 2 मिनिमम हमें मिल रहा है, तो हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2 को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू मिनिमम विड्थ, और हमने यहाँ पर लिया है कि मिनिमम विड्थ 2 है, तो ये हो जाएगा 6/3 इंटू 2। तो यहाँ से 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया 4, ओके। फिर से इसके लिए करते हैं फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू मिनिमम विड्थ, तो ये हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, देन फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू मिनिमम विड्थ, तो ये हमें 44 मिल गया, अगेन फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इंटू मिनिमम विड्थ, ठीक है। तो ये 4 से इसे कैंसिल करेंगे, ये हमें मिल गया 8, देन फ्रीक्वेंसी इज 4 अपॉन विड्थ इज 8 इंटू मिनिमम विड्थ, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ से हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यूज मिल गए। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स हमें मिल गए तो हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हमने एक्स एक्सिस पर लिया है नंबर ऑफ लेटर्स और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखिए, 1 से 4 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, तो ये हमें 4 मिल रहा है, और 1 से लेकर 4 तक, यहाँ तक ये हमें मिल जाएगा दिस। इसके बाद नेक्स्ट है 4 से 6 तक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 3, तो 4 से लेकर 6 तक, यहाँ तक ये हमें मिल रहा है 30, तो ये 28, 29, 30, 31, 32, तो ये 30 है, तो यहाँ से ये हमें इसे आगे बढ़ाना है, तो ये सपोज दिस हमें ये मिल रहा है
इस तरह से और 4 से लेके 6 तक ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है 6 से 8 तक की फ्रीक्वेंसी है 44, तो 6 से 8 ये 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर मिल रही है 44 हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो ये इस तरह से हमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 8 से लेकर 12 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 8 हमें यहाँ पर मिल रहा है दिस, और 8 से लेकर 12 यहाँ तक ये हमें मिल जाएगा 8। इसके बाद 12 से लेकर 20 तक ये हमें मिल रहा है 1, तो देखिए ये 1 2 3 4, तो ये वाला 1 है, तो यहाँ पर 12 से लेकर 20 तक दिस यहाँ तक ये हमें मिल रहा है 1, तो ये हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें इस तरह से मिलेगा, तो इस तरह से जब हम बनाएंगे तो हमें हिस्टोग्राम मिल रहा है। तो हिस्टोग्राम जब वेरिंग विड्थ का बनाना होगा तो किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए आप विड्थ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के जो 3 मेथड्स हैं, मीन, मोड एंड मीडियन, उसे हम किस तरह से कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।